हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट रिवीजन विद एंड हियर एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन दी पार्ट फिफ्थ ऑफ द अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंटेंसी पेपर फॉर एस वाई बी कॉम एस वाई बैफ एंड एस वाई आईड स्टूडेंट तो ये काफी सारे एम सी की उसके सीरीज मैंने शुरू की है इसके पहले ऑलरेडी मैंने फोर वीडियोज अपलोड कर लिए थे जिसके बेसिस पे आपके काफी सारे कंसेप्ट को रिवाइज किया था तो दिस इज द पार्ट फिफ्थ इसमें भी कुछ नए एम सी की उसके साथ कुछ हम प्रैक्टिकल बेस एम सी के उसके साथ डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे तो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन द क्वेश्चन नंबर वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी इज तो आपको पता होगा देखो पब्लिक कंपनी जो होता है पब्लिक कंपनी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने लगते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स लगते हैं सेवन और मैक्सिमम मेंबर्स के लिए कितनी लिमिट है नो no लिमिट है ठीक है ये तो आप जानते ही है देर इज नो लिमिट अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम कितने लगते हैं प्राइवेट में मिनिमम लगते हैं दो मेंबर्स और मैक्सिमम कितने लगते हैं मैक्सिमम आप कहेंगे सर फिफ्टी लगते हैं फिफ्टी के जगह पे अभी ध्यान से याद रखना टू हंड्रेड ये नया लिमिट है तो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम दो सौ मेंबर्स की जरूरत है मैक्सिमम मेंबर्स दो सौ है कम से कम दो मेंबर्स से आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ओपीसी तो हमने लास्ट तो सीरीज लिया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था ओपीसी का मतलब होता है वन परसेंट कंपनी एक नया फॉर्म ऑफ कंपनी है जो 2013 के एक्ट के बेसिस पे फॉर्म हुआ है और अगर हम ओपीसी की बात करें तो ओपीसी में कम से कम डायरेक्टर्स कितने लगते हैं तो कम से कम डायरेक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स दोनों डिस्कस करेंगे यहां पे पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं ओपीसी के अंदर ठीक है हम मैं तीनों के पॉइंट आपको बताता हूँ देखो ओपीसी है ओपीसी के बाद प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी है ठीक है तो ओपीसी में मिनिमम कितने लगते हैं और मैक्सिमम कितने लगते हैं सभी डिस्कस करेंगे ओ में मिनिमम एक डायरेक्टर और मैक्सिमम पंद्रह डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर मैक्सिमम पंद्रह डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम फिफ्टीन डायरेक्टर्स ठीक है तो यहां पे पूछा है मैक्सिमम के बारे में तो मैक्सिमम में देखो प्राइवेट हो ओपीसी हो या पब्लिक हो मैक्स टू मैक्स कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं इट शुड बी फिफ्टीन डायरेक्टर्स तो इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ बॉडी कॉरपोरेट एंड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 214 के बेसिस पे तो अ बॉडी कॉरपोरेट एन आउटसाइड इंडिया मतलब एक ऐसी कंपनी जो बाहर एस्टैब्लिश हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है तो उसको क्या कहते हैं डोरमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल सिंपल है तो इसका राइट right आंसर बनेगा फॉरेन कंपनी ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी नेक्स्ट इज बिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल तो इनमें से नॉमिनल कैपिटल हम किसे कहते हैं इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल तो देखो नॉमिनल कैपिटल को हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं नॉमिनल कैपिटल इज द ऑथोराइज कैपिटल तो ऑथोराइज कैपिटल इज जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इसी टाइप का एक एमसीक्यू हमने पिछले सेशन में भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये कैपिटल होता है मतलब ऑथोराइज कैपिटल क्या है इतना मैक्सिमम कंपनी शेयर्स के बेसिस पे इशू कर सकता है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉमिनल कैपिटल विच यू हैव टू रिमेंबर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है एंड इट इज रिलेटेड विद द सेल्स रेशियो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पीपीआई आशीष ब्रदर्स एक्वायर्ड भावेश ब्रदर्स ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन द कंपनी वॉज इंकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट अप्रिल 2019. थाउजेंड नाइनटीन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एवरी ईयर द सेल्स ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज डबल देखो अब सबसे पहले मैं आपको टाइम रेशो का ही कैलकुलेशन बताता हूँ उससे हम सेल्स रेशो ढूंढ लेंगे देखो कब हुआ इनकॉर्पोरेशन उनका फर्स्ट अप्रैल बिजनेस कब कभी एक्वायर किया फर्स्ट जनवरी तो गिनो जनवरी फेब्रुवरी मार्च तो थ्री मंथ्स आपके थ्री मंथ्स आपके प्री में होंगे रिमेनिंग नाइन मंथ्स आपके पोस्ट में होंगे अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारा वन इज टू थ्री ये हमारा क्या है वन इज टू थ्री है हमारा टाइम रेशो लेकिन हमें अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है अभी हमें यहाँ पे बोला है कि सेल्स रेशो ढूंढो तो देखो मैं अभी सेल्स रेशो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से समझना एक साइड प्री प्री लिखता हूँ एक साइड पोस्ट लिखता हूँ ठीक है एक साइड प्री और एक साइड पोस्ट प्री में कितने मंथ्स हैं हमारे तीन मंथ्स जनवरी फेब्रुवरी और मार्च पोस्ट में हमारे रिमेनिंग नाइन मंथ्स लिखेंगे अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे द सेल्स ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉरपोरेशन कौन सा पीरियड द सेल्स ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉरपोरेशन पीरियड इज डबल तो पोस्ट में जितने भी मंथ्स है उसमें सेल क्या है डबल है तो so, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दो डबल मतलब टू है और कितने मंथ्स है हमारे पोस्ट में नाइन मंथ्स है ठीक है तो नाइन टू कितना हो जाएगा एटीन और यहाँ पे हमारा वन वन लिखना है बिकॉज सेल्स प्री में सिंगल रहेगा तो पोस्ट में डबल होगा तो आपका रेशो देखो क्या बनेगा आपका रेशो बनेगा थ्री इज टू एटीन थ्री के टेबल में कैंसिल होता है थ्री वन जा थ्री सिक्स ज एटीन तो आपका राइट आंसर बनेगा सेल्स रेशियो का वन इज टू सिक्स तो वन इज टू सिक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी कैलकुलेटिव फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ कैल्कुलेशज डिफिकल्ट तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम दैट स्मॉल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन रिलेटेड टू टाइम रेश कैलकुलेशन रिलेटेड टू सेल्स रेशो हाउ टू कैलकुलेट द सी आर आर हाउ टू कैलकुलेट द फ्रेश इशू ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल बी वेरी सिंपल बट यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन ओनली वैन यू आर कंफर्टेबल विद द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर अनलेस एन अंटिल यू आर कंफर्टेबल विद द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर फाइव हमने अभी सॉल्व कर लिया है तो राइट आंसर बनेगा वन इज टू सिक्स द फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इज लेड डाउन एज पर शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री एड शेड्यूल सिक्स तो ध्यान रखना बैलेंस शीट का फॉर्मैट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मैट दोनों के दोनों हमारे कौन से शेड्यूल में कवर होते हैं दोनों के दोनों हमारे शेड्यूल थ्री में कवर होते हैं एज पर दंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन नेक्स्ट इज एनी If any offer of securities is made to subscribe securities to a selected number of persons, ठीक है Selected number of persons कम से कम एक financial year में 50 होंगे और max to max होंगे 200. अगर हम सिलेक्टेड मेम्बर्स को ही बोल रहे हैं कि आप ही हमारे शेयर्स को परचेज करो या सब्सक्राइब करो हमारी सिक्योरिटीज को तो उसे हम क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक प्लेसमेंट इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको हम आई कहते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटीज आती है कंडीशन प्लेसमेंट तो इसका राइट right आंसर है अगर हम स्पेसिफाइक स्पेसिफिकली सिलेक्टेड सिक्योरिटीज या सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन को ही सब्सक्राइब करने को कहते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं काफी सिंपल है द बोनस शेयर्स आर इशूड टू तो बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं उसके बदले में शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती दैट मीन्स पेमेंट इज नॉट मेड सच काइंड ऑफ शेयर्स एंड सच काइंड ऑफ शेयर्स आर बेसिकली इशू टू होम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स या बॉन्ड्स होल्डर्स तो ध्यान रखना बोनस जो होता है हमेशा और हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जाते व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग बोनस शेयर तो बोनस के दो एंट्रीज है मैं आपको दोनों के दोनों एंट्री बता देता हूँ एक होता है आपका एक पॉइंट होता है आपका प्रोविजन फॉर बोनस ठीक है एक पॉइंट होता है आपका प्रोविजन फॉर बोनस का और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखता हूं दोनों के दोनों एंट्री आई विल टेल यू सो दैट आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर बोनस शेयर्स के लिए सीआरआर यूज करते हैं तो आपका एंट्री बनेगा समझो सी में इनफ बैलेंस है तो सी से ही पूरा लिया जाएगा सी आर आर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट तो दिस इज योर जनरल एंट्री इफ सी आर आर इज नॉट इनाफ देन वी कैन यूज दी अदर पॉइंट्स चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बाकी जो के भी रिजर्व आप यूज कर सकते हैं अगर हम बोनस शेयर को इश्यू करते हैं तो एंट्री बनता है बोनस टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट क्या होता है एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है और अगर समझो प्रीमियम आता होगा तो प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अब यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बोनस बैंक तो आएगा ही नहीं बिकॉज पैसे का कुछ भी लेना देना नहीं है फ्री में मिलता है तो ये बैंक और बैंक वाले दो ऑप्शन ये गया ये गया फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक इधर भी बैंक है मतलब ये भी गया तो राइट right आंसर है आपका बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन सो दिस वॉज द एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इश्यूड फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन इच एट प्रीमियम ऑफ रुपीज फोर पर शेयर द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी सबसे पहले एंट्री से समझते हैं बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको एंट्री समझ में आना चाहिए यह है आपका फ्रेश इश्यू का जो कंसेप्ट है एंड दैट इज रिलेटेड विद रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंसर्स इसकी जर्रल एंट्री क्या होती है जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अब ध्यान से समझना देखो आपका ओवरऑल वैल्यू कितना है यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड है ठीक है तो हम अभी मल्टीप्लाई करके देखेंगे फिफ्टी थाउजेंड को अगर हम फेस वैल्यू टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रेडिट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी फाइव लैक्स प्रीमियम कितना रूपीज है यहां पे दिख रहा है आपको प्रीमियम फोर रुपीज तो फिफ्टी थाउजेंड को आपको फोर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू आएगी टू लैक्स और अगर हम फाइव लैक्स और टू लैक्स को प्लस करेंगे तो हमें बैंक की वैल्यू मिल जाएगी सेवन लैक्स अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड को पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो फोर्टीन दस रुपये का फेस वैल्यू चार रुपये का प्रीमियम तो टेन प्लस फोर इज फोर्टीन फिफ्टी थाउजेंड इंटू फोर्टीन यूर आंसर विल बी सेवन लैक्स

क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर है सेवन लैक्स ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन ऑफ टुडे वी हैव वोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको नए नए एमसीक्यूज मिलते रहेंगे अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिव्यजन जिसमें मैं रेगुलर बेस पे पीडीएफ नोटिफिकेशन वीडियो सब शेयर करते रहता हूं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर